फर्जी वसीयत के आधार पर वक्फ संपत्ति हड़पने के मामले में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी नेता पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की ओर से उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए गए। सरोदय नगर निवासी नाहा सिंह की ओर से जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया कि शहर की सीमा पर ग्राम नूरपुर स्थित वव नवाब मेहंदी अली की 3.65 एकड़ भूमि को अवैध और कूटचरित दस्तावेज देकर तैयार बेचा गया। चकबंदी के दौरान वक्फ नाम हटा दिया गया और उनका नाम आ गया। एक तरह से कानूनी हिस्सा पड़ी थी। उन्होंने 1991 में अपंजीकृत वसीयत से किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिया। तत्समय जांच हुई और जांच में सब प्रथम आ गया था कि उसके बाद इस तरह की जानकारी की गई, लेकिन वो जांच बाद में तब। इसके पश्चात वही भूमि 2004 में जिसमें से जो भी फैसला जुड़ा दिया था उस व्यक्ति ने अपनी जो तसीयत के माध्यम से और बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में वो तसीयत हुई है। जो संदिग्ध परिस्थितियाँ जहाँ पर रिटर्न की उस तसीयत को खूब नहीं माना जा रहा। संदिग्ध परिस्थितियाँ क्या थी कि जिस तारीख में वो व्यक्ति मरा है उससे एक दिन पहले उसकी वसीयत हुई है और वसीयत अपंजीकृत है और बेचने वाला मुस्लिम संप्रदाय से है, खरीदने और जो वसीयत करता मुस्लिम संप्रदाय से है, जिसके पक्ष में वसीयत हुई है मुस्लिम संप्रदाय। तो ऐसी वसीयत क्यों नहीं बनी जानी चाहिए, किंतु तहसीलदार ने समझदार दबाव में उसको क्यों माना और वसीयत के आधार पर अब आदेश दिए गए हैं कि सुनवाई का जो अपील होगी उसकी सुनवाई कर उस जमीन को क्या सर मुकदमा दर्ज करने के आदेश किए गए। हाँ, ये एक औपचारिकता पूरी करने के लिए आदेश किए गए और भूमाफिया के तहत मुख्य मुकदमा अभी तक मैंने मेरे आने के पश्चात करीब बड़े बड़े भूमाफियों में करीब 15 लोग के आसपास भूमाफिया बनाते हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन